पति के जेब का और दिल का रास्ता दोनों पेट से होके गुजरता, तो मैं छोटा सा सरप्राइज देना, कुछ सेलिब्रेट करना, ये लाइफ में होना चाहिए। बहुत यम्मी हो। जस्ट सॉफ्ट की चले। ओह हाँ, रियल गुड। माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं हूँ अपने किचन में, तो आपको टैगलाइन पढ़ के समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो नहीं, आज हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, तो आज मैं हूँ घर पे ही और प्रिपेयर करूँगी आज डिनर, जो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत स्पेशल छोटा सा डिनर अरेंजमेंट है, बट मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है मेरे हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज डिनर। तो फ्रेंड्स, सरप्राइज लाइफ में होना चाहिए, क्यों? सरप्राइज अगर होता है तो अच्छा लगता है। सरप्राइजेस, छोटे छोटे सेलिब्रेशन, मतलब हमारे लाइफ को कलरफुल करता है, और कुछ भी नहीं है। छोटा सा सरप्राइज देना, कुछ सेलिब्रेट करना, ये लाइफ में होना चाहिए। तो हम भी अपने लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। जब भी मन करे सेलिब्रेट कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं या फिर घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए, आप आज मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक देखने के लिए कि मैंने कैसे सरप्राइज किया और उनका क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए चलते हैं। कुछ ग्रोसरी मुझे लेना है आज, जो मैं डिनर बना रही हूँ उसके लिए, तो मैं पहले वो लेके आऊँगी, फिर मिलते हैं। और मेन क्या है कि आज मैं बना रही हूँ, उनको बहुत दिन से क्रेविंग हो रहा है, वो डायरेक्ट मुझे कुछ भी नहीं बोलते हैं कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, ये बनाओ, पर मुझे समझना पड़ता है कि उनको क्या खाने का मन है। तो आखिर बोलते हैं ना, पति के जेब का और दिल का रास्ता दोनों पेट से होके गुजरता है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। आप सब कितने लोग मानते हैं इसको, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग इसको विश्वास करते हैं कि नहीं। मैं तो करती हूँ। तो मेन उनको कई दिन से क्रेविंग हो रहा है, मेन उनके होम टाउन में आलू चॉप, मतलब बंगाली, हम लोग बंगाली हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो बंगालियों का मेन ब्रेकफास्ट ही होता है आलू चॉप, घुघनी, मूढ़ी और सिंगाड़ा, ऐसा टाइप का, यानी कि समोसा, आलू बंडा और घुघनी। तो उनको भी क्रेविंग हो रहा है। एक्चुअली मैं तो यहाँ आए हुए, मेरे को 4-5 महीने हुए हैं, बट वो 1.5 साल से घर नहीं गए, अपने होम टाउन नहीं गए हैं, तो उनको उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है कि वो क्या वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते थे, ये करते थे, जो यहाँ दुबई में नहीं मिलता है। तो मैं सोची क्यों ना मैं उनको घर पे ही ये बना के, दिन में तो वो रहते नहीं है पूरा दिन, और फ्राइडे एक दिन रहते हैं, तो फ्राइडे हैवी वो पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा आज ही उनको डिनर में क्यों ना खिला दूँ। तो चलिए, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं आती हूँ घूम के ग्रॉसरी लेके, आपको भी लेके जाऊँगी, साथ में बने रहिएगा और देखिएगा वो कैसे सरप्राइज्ड होते हैं। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसे हस्बैंड को, वाइफ के लिए, वाइफ को हस्बैंड्स के लिए या बच्चों के लिए सरप्राइजेस जरूर रखने चाहिए, इससे लाइफ और भी ज़्यादा कलरफुल हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक प्रिपरेशन शुरू कर दी हूँ, वो है मैं दूध को रख दी हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बनाने वाली हूँ फालूदा, तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, बहुत देर बात कर ली, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे मैं क्या बना रही हूँ, कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ सामान लेके, आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, आज के लिए जो लगेगा वही मैं लेके आई हूँ। तो ये है रोज़ सिरप या रू अफ़ज़ा, ये मतलब फालूदा में ये नहीं डालो तो लगता ही नहीं है फालूदा है, राइट? तो ये लेके आई हूँ, ये रू अफ़ज़ा, ये है मटर, ये मटर, और ये है जेली। तो जो जेली उसमें डलेगा, टूटी फ्रूटी भी मैं लेके आई हूँ, कल ही लेके आई थी, आज जेली लेके आई हूँ, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। और ये है बेसन, और ये है चावल का आटा। चावल का आटा आप जो आलू बड़ा बनता है उसमें, उसके बैटर में मिक्स कीजिए, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ऊपर का जो लेयर है, तो उसके लिए ये है। तो ये सब ऑफर में लगे हुए थे, ये 400 ग्राम्स करके है और सबका प्राइस है 2 दिरहम्स।
सोचिए 2 dirhams में 400 grams। और इसका प्राइस है 2 dirham, लगभग 1 serve जेली इसमें बनता है, 1 bowl, छोटा जो बोल रहता है उसका जेली इसमें बनता है। मैं दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। और ये मटर जो है ये 500 ग्राम्स है 2 dirhams का। और ये रूह अफ्जा जो है, ये रूह अफ्जा बहुत अच्छा, ये मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है रूह अफ्जा, मतलब रोज़ वाटर रूह अफ्जा या रोज़ सिरप ये सब के लिए। तो वही मैं लेके आई हूँ, ये मुझे पड़ा 12 dirhams का। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ देख सकते हैं ये जो फालूदा के लिए रबड़ी है उसको मैं बना के फ्रिज में रखना है मेरे को, क्योंकि वो ठंडा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं पहले बना रही हूँ। बाकी प्रिपरेशन थोड़ा बहुत करके रखूँगी, बाकी सब शाम को बनाऊँगी। तो जैसे आलू बॉईल करना हो ये सब, और इसको भिगो दूँ मैं इसको, क्योंकि मैं भूल गई थी, कल रात में ही मुझे भिगा देना चाहिए था पर भूल गई थी। तो इसे गर्म पानी करके मैं भिगो दूँगी, तो शाम तक आराम से भीग जाएगा। तो चलिए मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो अच्छा लगे और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो अगर आपको देखने हैं और मेरे साथ रहना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी नया नया चैनल है, आई होप आपको अच्छा लगेगा मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये आ गए हैं ऑफिस से आ गए हैं, तो दिखाती हूँ, गेस करें ये क्या बन रहा है। आई एम जस्ट सॉफ्ट की चलिए, बहुत दिन से हम लोग बोल रहे थे, बात कर रहे थे कि खाएंगे, घर का याद आ रहा था अपना। मैं बोली ना इनको होम टाउन का बहुत याद आ रहा था, सिर्फ समोसा आलू चॉप और घुगनी के लिए ब्रेकफास्ट करते थे, ये करते थे, इसलिए सोचा। तो कैसा लगा सेम आज वही बना है पूरा सेम का सेम बीटो सब एक साथ बनाया इसने, तो आई एम रियली हैप्पी कि क्या बोलेंगे अभी आगे, अब खा के पता चलेगा कैसा बना है। चलिए अभी तो तैयारी चल रहा है, अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे, आपको खाएंगे, आपको बताते हैं कैसा बना। ओके ओके अभी अपना फर्स्ट लॉट आ गया है, अभी ये फ्राई होंगे, इसके बाद में और एक है, सभी आज के बाद बने हुए हैं। आज क्या कह रहे हैं अपने मेनू में, इसको देख के बताओ क्या बनने वाला है आज। अपना स्पेशल है ये, क्या बोलो, इसको देख के गेस करो क्या। फलूदा बनेगा, फलूदा बनेगा अपना आज। तो हम लोग लास्ट टाइम एक जगह से खा के आए थे फलूदा, उसमें बहुत टेस्टी बना था, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना घर में ट्राई किया जाए। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे फालूदा, जो कि आज स्पेशल अट्रैक्शन है। हम लोग पहले भी बहुत बार बाहर खाए हैं, तो फर्स्ट टाइम हम लोग घर में ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, you want to try? Okay. No? Yeah. तो बहुत ही अच्छा बना है। A1. बहुत यम्मी है। थैंक यू। तो देख ही रहे हैं, सब आ गए हैं आज सरप्राइज, बहुत सारे चीजें बने हैं, समोसे आलू का चॉप बोलता है उसको, घुगनी देखिए कितने किस्म का, घर का बना हुआ है। 3 किस्म का चटनी बने हैं, जो अभी घूमने ट्राई करते हैं। स्वाद मीठा कि नहीं, मतलब इच्छा जो था कि एकदम घर जैसा खाएंगे, घर जैसा, बहुत दिन के बाद खा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। अब ये है आलू चॉप, देखिए
बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बनाया। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं। तो यही था देते हैं। तो यही था आज का सरप्राइज, जो भी वो पसंद आया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, से गुड नाइट।